तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं सुजुकी स्टेडियम में और हमारा फर्स्ट ही मैच है और पहले हमारी बैटिंग आ चुकी है। तो ये रहा पूरा ग्राउंड। बहुत बढ़िया। ओबे अनुज भाई छक्के के बॉल पे आउट हो गए, कैसे लग रहा है? गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हाय हेलो नमस्ते। तो कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए दोस्तों एक नए वीडियो की नई शुरुआत करते हैं। आइए कुछ खास करते हैं। तो अभी पहुंच चुका हूँ दोस्तों मैं अपने गाँव की सड़क पे और अभी मुझे जाना है ऊपर वाली सड़क में। तो चलो चलते हैं और आपको मिलता हूँ सीधा ऊपर। आधी टीम निकल गई और 6 बंदे निकल रहे हैं और 6 बंदे आगे से चले गए और हम 2 बंदे आप पीछे से जाएंगे और बाकी मौसम के हाल कुछ ऐसे। तो फाइनली सुशी मार्केट में। तो दोस्तों ये रहा पूरा सुशी मार्केट और यही चल रहा है टूर्नामेंट। तो चलो तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं सुशी के स्टेडियम में और हमारा फर्स्ट ही मैच है और पहले हमारी बैटिंग आ चुकी है। तो ये रहा पूरा ग्राउंड। तो टॉस हो चुका है और हमारी पहले बैटिंग आ रही है। तो देखते हैं भाई को इन्होंने ऐसी जोत लिया है, मतलब ऐसी पैड बना लिए। अनुज भाई बैग तो काट दो, अनुज बैग तो काट दे। जो आज मुकाबला है बैग टीमों के बीच है। एक टीम ने लोकल टॉस, लेकिन आज एरोली के पास मौका है। ओपनर बल्लेबाज चले गए तो हमारे ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र और अनुज छोड़े ना लेग भाई। कॉल कैरिक भागा, कॉल कैरिक। तो इनको बकरों का मैच खेल खेल के आदत पड़ी है, लेग भाई का तो ध्यान ही नहीं है इनका। तो खाता खुला है भाई और अतिरिक्त यहाँ पर इन्होंने भी समिति को 500 रुपए यहाँ पर पारितोषित किए हैं। मैं निवास करता हूँ डबल 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 बढ़िया बढ़िया शाबाश। इन्हें बस मारो ना, इन्हें ताला दिखी है, इन्हें नजदीक से भी लॉन्ग ऑन ना, इन्हें लॉन्ग ऑन कमी चे मत हिम्मत ये खेल में कर रहे हैं। मेरे भी जाने तो कमाल है स्कोर 2 रन, टीम का स्कोर 4। बढ़िया गेम। अरे यार अनिल मुकेश आवत कप्तान
जज नहीं हुई बॉल गिना बैठा नहीं रही जान की अनुजान जा नहीं रही टाइमिंग होल टाइमिंग होल शॉट मार ये की समाप्ति बिना किसी नुकसान के स्कोर बोर्ड पर टप चुका है 13 रन शुरुआत एक ओवर में 13 रन बढ़िया बढ़िया शाबाश शाबाश बहुत बढ़िया अरे शाबाश शाबाश 105 मीटर के लगभग 6 रन अबे अबे एक बॉल छोड़ बॉल ढूंढ अनुज भाई छक्के के बॉल पे आउट हो गए कैसे लग रहा है बाहर को निकलते रहे मुकेश रावत के विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम हर फॉर्मूला मुकेश मुकी जी मुकी इसे बेच अपने बॉलिंग करना पर नहीं चाह रहा था वो बॉल हर कैसे से छोड़ने की कोशिश और सुरक्षित अपने क्रीज पर मुकेश रावत ने स्वयं गेट को क्लियर किया और उसके बाद वापस गया तो एक विकेट आउट होने के बाद थोड़ी सी खलबली मच गई है यहाँ पर एरोली के बल्लेबाजों में अपना आपसी लगातार भूल रही थी और फिर नहीं जा रहा था बॉल भाग्यशाली रहे और मुकेश रावत ने पूरी तरह से पिच के चारों तरफ डायरिया मार दी और अब कुछ मंत्रणा के बाद फिर वापस अपने बल्लेबाज स्टार्स पर बल्लेबाज धीरज बढ़िया गेंद एक स्टंप से हल्की सी बाहर फायदा मिलता हुआ यहाँ पर एरोली को 22 रन जिसमें 8 अतिरिक्त हैं सभी हुई शुरुआत और एक और बढ़िया गेंद बिल्कुल ठार गेंदबाजी यहाँ पर निखिल के द्वारा तो 2 ओवर की समाप्ति 1 विकेट का पतन स्कोर बोर्ड पे टप चुके हैं 22 रन 10 ओवरों के मुकाबले बल्लेबाज वीरेंद्र आराम से कोई मानी कॉल करी
एक रन बनाकर खेल रहे हैं गणेशर। व्हाइट का इशारा आदर इतना नहीं रहा जैसा बल्लेबाजी भी कर रहे हैं पूरी तरह से उनकी निगाह है मैदान पर और अब समय आ गया है पिछकी भौगोलिक स्थिति खराब है। राहुल थी समझ राहुल यार अनुज यार जब तो छक्का नहीं लगा तो वीडियो बनाने के मजा आ रहा छक्का होकर चढ़े जी यार एक छक्का लग गया छक्का नहीं मारा भाई हम बाई करन पहुंचा जी मां की कसम और बाई हाथ के बल्लेबाज धीरज पांच छह रन बाई लगा वन डाउन बल्लेबाज काफी जिम्मेदारी होती है इस बल्लेबाज पे लेकिन यहां पर बॉल को ब्लॉक होम है बैट बाल बचे बैट इस विकेट में यानी बैटिंग नहीं करूं आज बैटिंग नहीं करूं बैटिंग नहीं रखूं हम ही टेबड़े खेल रहे ना हम ज्यादा छूट ना मैंने बेजा भी ओवर पर गति पर इसे भेज धीरज के लिए और अरविंद नेक्स्ट प्लेयर अरविंद ये बात कोच तो अरविंद नए बल्लेबाज के रूप में निकल जाओ अपने बड़े पैरोली के कई बार देखा है हमने और यहां पर जो प्लेयर बढ़िया मस्ती है रोशन के साथ जरूर हुआ दूसरे बल का भी दौड़ने का प्रयास और यहां पर फिर भी संघर्ष करने के शिकार पाल बाल बचे यहां पर अरे कॉल करके भागो रे कॉल करके भागो भाई देखा जा रहा है हमारे ड्रेसिंग रूम में काफी खलबली हो रही है पारस भाई हमारे नेक्स्ट के नेक्स्ट प्लेयर हिटर पर इनके हाथ पे चोट है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत है नहीं तो काफी खब्बू बल्लेबाज है जो बल्लेबाज अभी मैदान पर है वो बल्लेबाज नहीं है अकेला ही एक ऐसा सूरमा है कि जो पूरे मैच का ही नहीं टूर्नामेंट का खाका बदल सकता है तो एक और बढ़िया बॉल जिन्होंने पिछले ओवर में एक बढ़िया बल्लेबाज को ने दोबारा उसी पर विश्वास जताया है तो देखना है कि अरविंद क्या कर पाते हैं भाग्यशाली रहे आखिरी छोड़ में उनके पैर से टीम टकरा गई नहीं तो नुकसान हो सकता था आखिरी ओवर है यहाँ पर निखिल का
और यहाँ पर तेज गति से लेग स्टंप पिच अप गेंद थी अंपायर का इशारा व्हाइट का एक और अतिरिक्त रन मतलब मैं तो पैड पर नहीं पड़ रहा और अतिरिक्त रनों की संख्या यहाँ पर 14 नमस्कार और यहाँ पर गली के क्षेत्र में एक रन पूरा किया और यहाँ पर बाल बाल बचे कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर रन बनते हुए उनके बढ़िया गेंद बिल्कुल बढ़िया गेंद 140-45 प्रति किलोमीटर 40 भी 45 भी है तो कप्तान के पास गेंदबाजी में काफी विकल्प मौजूद है कितना है कि जब स्ट्राइकर गेंदबाजों के ओवर समाप्त हो जाते हैं ऊपर तीन गेंदबाजों पर और यहां पर एक बढ़िया प्रहार किया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में एक रन पूरा किया और यहाँ पर चार रन मिलते हुए तो काफी देर के बाद ये बाउंड्री मिलती हुई चार रन टीम का स्कोर 39 रन इस रन लेकर चंबुलियन छोर से सामने है धीराज मात्र एक रन के बल्ले से निकला है पांच गेंदें इन्होंने फेंस की है तो धीरज को चाहिए कि अब कुछ आगाज बड़ी बड़ी बाउंड्रिया टीम के लिए लाए लेकिन फिलहाल तो यहां पर एक फिर दिशाहीन गेंदबाजी तो टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 41 ओवर एक बार फिर धीरज के लिए बढ़िया शॉट आकर खतरा हो सकता है लेकिन भौगोलिक परिस्थिति आपको जैसी एक ही रहते संतुष्ट तो धीरज ने एक रन अपने खाते में और जोड़ा और उनका व्यक्तिगत स्कोर 2 रन और अब स्ट्राइक पे है अरविंद सामना करेंगे फिर यहाँ पर विशाल गेंदबाजी काफी बाहर जब तक थर्ड मैच वापस आए तो भी खिलाड़ी अपना छोर बना चुके थे यहाँ पर ऊंचा प्रहार जा पाते नहीं हो आटा चुके मैम खोली है कप्तान ने काफी दूरी तय की 30 मीटर की दूरी उन्होंने 4 सेकंड में तय की है चीते जैसी छलांग और बड़ा कैच बड़े का अंत तो काफी समय अच्छा से कैच था सेट होने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज लेकिन अब वापस आ रहा है नेक्स्ट बल्लेबाज सुनील भाई जो कि काफी विस्फोटक बल्लेबाज है तो इन पे निगाहें रहेंगी खिलाड़ी ही यहां पर एरोली की टीम इन पे सबसे ज्यादा निगाहें रहेंगी अब खुशी का माहौल तो अब और अब सुनील बाएं हाथ के बल्लेबाज पे निगाहें रहेंगी बल्लेबाज है नहीं जो यार तुम यानी कि 3 ओवर और टीम का बढ़ता स्कोर 45 बढ़िया गेंद बढ़िया वापसी बिल्कुल यहाँ पर टिप्पा खाते ही विकेट कीपर के कलम से बैठ काफी समय से जूझ रहे हैं रनों के लिए और फिर यहां पर एक और दिशाहीन गेंदबाजी इसी बीच अंपायर को पार किया शॉट भी लेंथ गेंद था उसे खेल दिया है बॉल काफी तेजी से ऊपर जाता हुआ भौगोलिक परिस्थितियां कुछ ऐसी की 3 रन यहाँ पर दौड़ चुके हैं टीम का बढ़ता हुआ स्कोर
ये मारेगा फिर दिशा हिट गेंदबाजी का बिल्डिंग का पावर डाउन था अगर है जान इन्हीं बनाना 10 का मारे लान तो भेज जाना तो काफी लंबा ओवर कप्तान ओके स्वयं परेशान है कि ओवर है यह हनुमान की पूछ खत्म ही नहीं होता दे लो दे लो दादा बैग दे जरा इस ओवर में अभी तक 11 गेंदें डाल चुके हैं गेंदबाज इसी बीच और फिर फैलाने की कोशिश लेकिन फिर नतीजा वही तो दो ओवर पूरे कर चुके हैं इस समय गेंदबाज अपना रना भी छोटा कर लिया है सामने हार्दिक बैकअप लेफ्ट किया गेंद को हल्के से स्टार्ट पीछे लिया उसके बाद एक हल्का सा कट टीम का बढ़ता है स्कोर का पहला पारी का छठा ओवर लेके काफी समय से जमे हुए हैं स्ट्रगल जरूर किए हैं उन्होंने शुरुआत में लेकिन अब पूरी तरह से बॉल उनके बल्ले पे आती हुई उनके रडार में अगर बॉल आती है तो फिर वो बॉल वापस नहीं आती है फिलहाल तो यहाँ पर फायदा लेना चाहता है इस गेम का लेकिन क्योंकि खेलू यार ओवर बैग कौन से खेलू नहीं ये बोले बल्ले ने साथ नहीं दिया नहीं तो एक बड़ा प्रहार हो सकता था रोशन ने प्रयास किया था रोकने का लेकिन सफल नहीं और अब सही गति से रन बनते हुए एरोली के लिए अरे सुनील हम जाओ तुम बैटिंग यार जान के बटल मार डाल में टाइमिंग से यह हो रही है जान पर टाइमिंग जान लैंड कोई बानी और इतनी दूर से दोस्तों मैं शूट कर रहा हूँ जूम में पारस है अच्छा अपनी टीम के लिए जोड़े अरविंद ने और अब नए बल्लेबाज पांच बॉल छह बॉल खेली मेरे पास मुकेश और दोनों ही बल्लेबाज बोल ही नहीं करूँ हमेशा पहल बोल हमेशा कटकटी पाउंड जो है और कोरोना है इनके कामयाब नहीं है तेज बाज में सुनील में बल्ले कामयाब नहीं है इन दोनों के साथ स्कोरिंग शो की और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है मैच न खेले और कुछ लंबे लंबे प्रहार इसमें गेंदबाजी का आदाज है और यहाँ पर काफी टाइम होता हुआ बॉल बैट बॉल नीचे देखने बोले यार
बागने ले चगा खड़े खड़े मारने का प्रयास लेकिन सफल नहीं। उनके इसको चाहिए कि कुछ स्टार्ट आगे लेकर जरूर कोशिश की थी यहाँ पर, जब तक कि बोला बस आए एक रन पूरा किया। रमदाल किला करण जमा ना यार लाई कोई नहीं स्टॉक नहीं खुले वाला यार है तू टमा बोले बोल्ड नहीं फुकावा खंबर इच्छा कम पर बोल्ड नहीं बोले खेलना होगा। कोटे का दूसरा पारी का आठवां ओवर रहेगा 9.6 से और सामने है सुनील, काफी समय से खेल रहा है ये बल्लेबाज लेकिन अभी तक मात्र उनके बल्ले से एक रन निकल पाया है, जबकि साहिल कोटे का दूसरा ओवर और यहां पर गिल्लियां बिखेर दी है भैया, खड़े खड़े खेलने का प्रयास, काफी तेज गेंद गजब बोल यार और वापसी पांचवा झटका लगता हुआ एरोली को। नाइस सुनील नाइस, शाबाश 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 शाबाश। अब नेक्स्ट बल्लेबाज पारस और अब नए बल्लेबाज गए हैं इस समय पारस। साहिल का सामना करने के लिए तैयार साहिल, 23 कदमों से अंपायर को पार किया और काफी उठा हुआ बॉल, थर्ड मैन में कप्तान मौजूद हैं व्हाइट और बाई के दो रन और टीम का बढ़ता स्कोर पहुंच चुका है 68 रन 29 रन अतिरिक्त के। इसी बीच साहिल मुकेश के लिए उड़ाने की कोशिश जरूर की थी ना, पॉइंट ना बंदा ठीक पॉइंट जी पर इसी बीच नीचा रहता हुआ बॉल बड़े प्रहार अपने थोड़ा थोड़ा गेंद को बदल किया, कोई मौका नहीं तो अपनी लय को तलाश रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज, काफी समय इन्होंने बिता दिया है अपनी बहन बोल लेकिन अभी तक मात्र 3 रन और यहाँ पर एक बढ़िया प्रयास, देखना ये कितनी दूरी तय करती है, बढ़िया फील्डिंग वहां पर मनोज दृष्टि के और बढ़िया थ्रो भी, जब तक की स्टेट से वो वापस आए इस गेंद को कर सकते हैं। देख एक बार यार अबे आउट जब मंडी मंडी एक या वाह 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 लेकिन फिलहाल एक रन से संतुष्ट
बैठ बैठ पैर रे बैठ पैर नेबर बैठ पैर नेबर इसी बीच बाएं हाथ के बल्लेबाज चूके यहां पर बल्लेबाज और एक बढ़िया ओवर काटता हुआ बढ़िया गेंदबाजी जहां पर कि सभी गेंदबाज अतिरिक्त रन खर्च कर रहे थे वहां पर कप्तान ने दिखाया है किस प्रकार से इस पिच पर गेंदबाजी का क्रम होना चाहिए। बढ़िया गेंद बिल्कुल साइड से टकराई और इसके बाद आखिरी ओवर है तो पारस खाता भी नहीं खोल पाए तक बहुत बढ़िया लंबा प्रहार लेकिन उतना ही बढ़िया फील्डिंग उतना ही बढ़िया थ्रो सीधा गेंदबाज बढ़िया बढ़िया शाबाश शाबाश मुकेश रावत ध्यान रखें छक्का बोल जाए हाथ भी निकल सकता है तो पारस ने यहाँ पर जरूर हाथ खोलने शुरू कर दिए। इसी बीच नीचा रहता हुआ गेंद और विकेट कीपर से छिटका और एक रन मिलता हुआ टैग पाई का इशारा स्कोर पर खेल रहा है बल्लेबाज और अब पारी का आखिरी ओवर मोबाइल जोर से मनोज के पास है बॉल नीचा रहता हुआ बॉल यहाँ पर डबल 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 बस 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 बनू यार तभी तो बंजू में बड़ी बाउंड्रिया बड़ी प्रहार मॉडल बड़े एक सम्मानजनक तक पहुंचा जाए इसी बीच मनोज मिलते हुए और अब फ्री हिट जिसमें कि बल्लेबाज के लिए पूरी तरह से सब कुछ बल्लेबाजी के पक्ष में फ्री हिट में छपल लगा है विनोद नेगी और विनोद कंदारी और हरविंदर रावत की मनोज नीचा रहता हुआ गेंद इसको अलग अंपायर के ठीक सामने एक रन पूरा किया भैया स्कोर पहुंचा दिया है 79 रन इनका प्रयास और यहाँ पर दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं जब तक की बॉल वापस आए सुरक्षित अपने क्रीज पर टीम का बढ़ता है स्कोर 81 रन 30 रन बैटल कैच है 24-12 है भाई। अभी दोस्तों हम निकल चुके हैं सुसी ग्राउंड से और हम दोस्तों हार चुके हैं क्योंकि हमारे रन नहीं बने तो इसके कारण हम हार चुके हैं। हमारे पास बल्ले भी ठीक नहीं थे कोई नहीं चलो देखते हैं नेक्स्ट मैच नेक्स्ट टूर्नामेंट कोई दिक्कत नहीं चलो। अभी फाइनली दोस्तों हम कसुंड खेतु में पहुंच चुके हैं और आज का मैच दोस्तों ठीक ठाक ही रहा हम हार गए कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमारे रन नहीं बने तो हमारा बैट भी अच्छा नहीं था और ये भाई साहब ये है हमारे ओपनर इनके चक्कर में हम हारे हैं ये हमारे ओपनर रन नहीं बनाए इन्होंने कोई दिक्कत नहीं है चलो कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों मैं अपनी ही बैटिंग की वीडियो बना पाया उनके बैटिंग की वीडियो नहीं बना पाया और अपनी बॉलिंग की वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि फ़ोन पकड़ने वाला कोई नहीं था मतलब वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था इसीलिए मैं अपनी अपनी इनिंग की वीडियो बनाई और उनकी वीडियो नहीं बनाई। और यहां से व्यू देखो ये देखो क्या मस्त लग रहा है ना